है आपका माय एमपीपीएससी सर्कल में। आज हम मध्य प्रदेश की भ्रदा से संबंधित कुछ प्रश्नों को लगाएंगे, तो आइए बिना समय गवाए हम हमारे प्रश्नों की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है, जो है काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, लेटेराइट मृदा एवं मिश्रित मृदा। आप इस इमेज को देख सकते हैं, इसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस भाग में किस प्रकार की मृदा है। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में आपको जलोढ़ मृदा का विस्तार दिख रहा होगा, पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिमी भाग में काली मृदा का विस्तार है, पूर्वी भाग में लाल पीली मृदा का विस्तार है और मध्य भाग में आपको कई लेटेराइट मृदा एवं मिश्रित मृदा का विस्तार भी आपको दिख जाएगा। आप इस मैप को ध्यान में रखिए, इस मैप से हमारे आगे के क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व होंगे, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस मृदा को कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में काली मृदा को भी कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा के और भी कुछ नाम है, काली मृदा को रेगुर मृदा, करेल मृदा, चेरनोजम मृदा या कपास मृदा भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी भाग में मालवा पठार के अंतर्गत पाई जाती है। यह प्रश्न हमारा MPPSC 2003 में भी पूछा गया था, तो यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। हमारा तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मालवा पठार के अंतर्गत विस्तृत काली मृदा का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो मध्य प्रदेश में मालवा पठार के अंतर्गत विस्तृत काली मृदा का निर्माण दक्कन ट्रिप की बेसाल्ट चट्टानों के विघटन, कायांतरण और अपसादीकरण के द्वारा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी है, ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा। अब हमने जाना कि दक्कन ट्रिप की बेसाल्ट चट्टानों के विघटन, कायांतरण और अपसादीकरण के कारण हुआ, तो हम जान लेते हैं कि विघटन क्या है। विघटन में होता यह है कि जब बड़ी बड़ी चट्टानें रहती है, वो जो छोटे छोटे कणों में टूट जाती है, तो उसको बोलते हैं चट्टानों का विघटन होना। और कायांतरण वह होता है, कायांतरण को इंग्लिश में मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। कायांतरण का मतलब किसी भी चट्टान के मूल ढांचे या स्ट्रक्चर में प्राकृतिक कारणों जैसे दाब, ताप और किसी नए केमिकल सब्सटेंस की वजह से जो रूपांतरण होता है वह कायांतरण कहलाता है। और अपसादीकरण होता है, अपसादीकरण मतलब अपसादों की कई समय तक एक के ऊपर एक परत चढ़ते रहना, जिससे नई चट्टानों का निर्माण होता है। तो इस तरह बनी चट्टानों को हम अपसादी चट्टान कहते हैं, जिसमें धात्विक खनिज ज़्यादातर तो नहीं पाए जाते हैं। तो आपको पता ही चल गया होगा कि काली मृदा का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है वो ठंडा होता है, तो वो बेसाल्ट चट्टानों का रूप लेता है और फिर बेसाल्ट चट्टानों का अपघटन होके काली मृदा का निर्माण होता है। हमारा चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में काली मृदा के क्षेत्र का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में काली मृदा के अतिरिक्त नर्मदा घाटी में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है। यह प्रश्न हमारा MPPSC 1999 में भी पूछा गया था, तो इस प्रश्न को भी आप याद रखें। हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा की प्रचुरता उपलब्ध है? तो मध्य प्रदेश में राज्य में काली मृदा का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है और जो राज्य के लगभग 43% भूभाग पर पाई जाती है। और ओवरऑल भारत में देखा जाए तो काली मृदा का विस्तार दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। आज का हमारा छठवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गहरी काली मृदा का विस्तार किस जिले में नहीं पाया जाता है? अब आपको पता ही होगा कि काली मृदा का विस्तार पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी भाग में पाया जाता है तथा होशंगाबाद, हरदा, उज्जैन ये सभी पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में विस्तृत है और सतना जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग या उत्तर पूर्वी भाग में विस्तृत है। तो इसलिए सतना इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सतना में लाल पीली मृदा पाई जाती है, बाकी सभी जिलों में काली मृदा पाई जाती है। हमारा आज का सातवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत काली मृदा का रंग काला किस कारण होता है? तो काली मृदा का रंग काला लोहे बचूने की उपस्थिति के कारण होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। होता क्या है कि काली मृदा के निर्माण के समय बेसाल्ट चट्टानें बहुत ही जो लावा के ठंडा होने से बनती है, तो बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण होने पर चट्टान में मौजूद लोह कण का ऑक्सीकरण होता है और उस पदार्थ या मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। उसके बाद उस पदार्थ में निरंतर रासायनिक परिवर्तन होते रहता है,
तथा उसमें मृत्तिका यानी कि क्ले एकत्रित होते रहती है और अंततः मिट्टी का रंग काला हो जाता है। तो ऐसे बनती है अपनी काली मिट्टी। हमारा 8वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली काली मृदा की प्रकृति कैसी होती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली काली मृदा की प्रकृति क्षारी होती है। मध्य प्रदेश में विस्तृत काली मृदा का जो पीएच मान है वो 7.5 से 8.5 के मध्य होता है, और पीएच मान 7 से ऊपर होता है मतलब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय है। यदि किसी भी पदार्थ का पीएच मान अगर 7 से कम है तो उस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होगी, यदि किसी भी पदार्थ का पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो उस पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होगी। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो अब चूंकि दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र नर्मदा घाटी के अंतर्गत आता है और नर्मदा घाटी में काली मृदा पाई जाती है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, काली मृदा। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। उत्तरी भाग में बुंदेलखंड एवं नीच चट्टानों के क्षरण एवं चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थ से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी भिंड, मुरैना, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिले के लगभग 33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाई जाती है, जो संपूर्ण राज्य के क्षेत्रफल का 7% के आसपास है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोमट मृदा तथा कछारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश में जो विस्तृत है जलोढ़ मृदा उसको, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि मिश्रित जलोढ़ मृदा दोमट जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा और कछारी मृदा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसको खाद्यान्न मृदा भी कहते हैं, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से ये सबसे उपयोगी मृदा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जलोढ़ मृदा का विस्तार नहीं पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जलोढ़ मृदा का विस्तार नहीं पाया जाता है, क्योंकि खरगोन जिला दक्षिणी मध्य प्रदेश में स्थित है जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, और मुरैना, भिंड, श्योपुर उत्तरी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है, इसलिए यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नालियों में से मिट्टी जो गहरे नालों का गठन करती है इसकी ऊपर परत हटाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, नाली कटाव। यह प्रश्न पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया था, तो इस प्रश्न का जवाब नाली कटाव है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मध्य भारत पठार के अंतर्गत चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अत्यधिक गहरे खड्डों का निर्माण होता है, जिसको उत्खात भूमि भी कहते हैं, जिससे इस क्षेत्र में गहरी नालियों का विस्तार पाया जाता है, और यही अब नाली का अपरदन भी कहलाता है, और मृदा अपरदन को रिंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं, ये भी आप याद रखना, ये भी एक प्रश्न है। हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव की समस्या है? तो आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव चंबल के पठार के अंतर्गत होता है, और मुरैना जिला चंबल के पठार में पाया जाता है, तो इसके लिए मुरैना जिले में मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा होता है। भोपाल, खंडवा तथा जबलपुर में मृदा अपरदन से संबंधित कोई समस्या नहीं है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बीहड़ की समस्या के निदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष कार्य योजना बनाई गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, 1971 में। इसका उद्देश्य 1224 करोड़ रुपए की लागत से 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बीहड़ मुक्त करना था। बीहड़ क्या होता है? बीहड़ जब नदियों द्वारा अपरदन करके अत्यधिक गहरे खड्डों या उत्खात भूमि का निर्माण किया जाता है तो इसे ही बीहड़ कहा तो जाता दोस्तों है। ये थे आज के प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जिसके ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा या लाल पीली मृदा। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों यह आज के प्रश्न थे। आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सलाह या सुझाव हो तो वह भी ज़रूर बताइए, और अगर मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा यानी कि एमपीपीएससी आपका टारगेट है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल पूर्णतः एमपीपीएससी पर ही फोकस्ड है। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।